सो वी आर एट दार्जिलिंग। एंड हम लोग स्टे कर रहे हैं मस्कैटल हिमालय रिसॉर्ट पे। सो ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के बाहर का व्यू कैसा है। अभी हम लोग पहले जाएंगे, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहाँ गुरुद्वारा साहब जाएंगे, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के फिर हम आगे का प्लान आपको बताएंगे आस्ते आस्ते। आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। जब मैं मॉर्निंग टी पीने ऊपर आया था तो तब इस जगह पे पूरे क्लाउड हटे हुए थे, पूरा व्यू क्लियर था, बट अभी जैसे जैसे सुबह होती जा रही है एंड क्लाउड पूरा एरिया पे हुआ है। पखा नहीं आया रूम से, पखे फिर बिना पके तो कैसे सोते हैं? तो सो तो गए थे, मैंने तो होश ही नहीं थी, बारे अभी कच्चे ना नहीं सोचूंगा। सो चलो गुरुद्वारा नाम अब यहाँ से गुरु नानक दरबार जाने के दो रास्ते, एक तो ये आपके जो लेफ्ट साइड में रास्ता दिख रहा है ये रास्ता, ये रास्ता स्ट्रेट जाता है बट थोड़ा हिल के लाइक स्ट्रेट है। सो ये जो रास्ता है थोड़ा जिगजैग करके है, बट हम लोग इस रास्ते जल्दी पहुँच जाएंगे। ये है दार्जिलिंग का इकलौता गुरुद्वारा साहिब। सो आओ मैं आपको इस गुरुद्वारा साहिब का दर्शन कराता हूँ। फाइनली रीच गुरुद्वारा साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मजा लेते हुए भाई दौड़ो। सो हम पहुंच गए हैं क्लॉक टावर दार्जिलिंग पे। सो इसके सामने हमारे पर रमाडा है, रमाडा के आगे वो स्ट्रेट मॉल रोड है। एंड अगर आप हमें मॉल रोड पार करके वहाँ पे एक बाइक रेंटल वाला है, वहाँ जाके बाइक रेंट लेनी है। सो अब हम पहुंच गए हैं मॉल रोड, मॉल रोड के बीच में पहुंच गए हैं। एंड ये जो एरिया है बहुत ही सही है, यहाँ पे डॉग्स को इतना सब प्यार देते हैं कि डॉग्स को कोई भी हर्ट नहीं करता है। एंड जब भी अपनी ये इनकी मतलब खुली आज़ादी, जहाँ मर्जी रिलैक्स कर सकते हैं, सो कूल है। एंड मेरे बगल पे भी एक रेस्टोरेंट है। एंड ये गुड बॉय। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप कोई बाइक राइड नहीं कर सकते। अगर आपको इस साइड से उस साइड जाना है, डिफरेंट साइड जाना है, तो यू हैव टू ड्रैग द बाइक। आप ड्राइव बाइक को राइड करके नहीं जा सकते हैं। सबसे बहुत ही सही पॉइंट है। आप भी अब यहाँ बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो, इतना क्वाइट म्यूजिक जो बज रहा है एंड ऑल द एनर्जी यू गेट ओवर इट इज बेस्ट। हेलो बड़ी। ये घोड़ा की गधा है, तुमको क्या लेना है, तुमको क्या लेना है? अभी हम पहुंच गए बाइक रेंटल की शॉप में। सो अभी देखते हैं इनके पास कौन सी बाइक अवेलेबल है। ये अमेरिका टूर एंड ट्रिक्स है एंड देखते हैं कि इनके पास हमें कौन सी बाइक देते हैं। ये हमें क्लासिक 350 इनके पास दो हैं, बट एक मैंने ट्राई की है एंड ये दूसरी वाली है। देखते हैं कि कैसी है। सदा जी गड्डी नहीं मोड़ पा रहे, गड्डी नहीं है, फॉर्च्यूनर चला रहे। जनरेटर नहीं लगा।
लीवर देख के हैं वाला वाला लीवर 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 बट रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर टू बी फॉलोड। भैया टो करते हुए भाई, अगर अगर कोई भी दार्जिलिंग आता है अगर उसको बाइक राइड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बाइक चाहिए तो आप एक दिन पहले बुक करो, या तो आप मॉर्निंग में फटाफट जाके बुक करके टेस्ट करके अपनी राइड बुक कर दो। इस बाइक का एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि इसकी जो ब्रेक्स बहुत बहुत ज़्यादा कम है बैक वाली एंड आगे की डिस्क ब्रेक, एंड आप लोगों को पता है रेनी सीजन में आगे वाली डिस्क ब्रेक कितनी डेंजरस होती है। सो हम अभी जा रहे हैं रिटर्न, बाइक को रिटर्न करने, क्योंकि बाइक बारिश भी कंटिन्यूस हो रही है एंड हम बाइक पे किसी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि हिली एरिया है एंड ब्रेकिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बाइक। सो यह है दार्जिलिंग का मशीन, यह है दार्जिलिंग का ट्रैक ना, देख सकते हैं इधर में, देख सकते हैं कुछ दिखाई नहीं, इधर हमें कुछ नहीं, जरूरत आपको क्या देगा, कुदरत का नज़ारा है। ऊपर वाले ने यहाँ पे सनराइज नहीं दिया है, अलाउ परमिशन ही नहीं दिया है। आई होप कि आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे एंड व्यूज़ आर अल्टीमेट। मैं आपको मतलब लाइक फुल्ली बयान नहीं कर सकता कि व्यूज़ कैसे हैं एंड कुछ कुछ फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड जिस भी एरिया में मैं पहले ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ मैं इंस्टाग्राम में अपडेट ज़रूर डालता हूँ, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आई डी इज़ ऑन माई स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो प्लीज़ गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कमेंट करना कि आपको व्यूज़ कैसे लग रहे हैं एंड वीडियो की क्वालिटी कैसी है। फाइनली वी हैव रीच्ड गुम मॉनेस्ट्री, सो अभी मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ, बट ये क्लाउडी की वजह से ना सब कुछ क्लाउडी हुआ तो क्लियर कैसा लगा नहीं आपको? अभी बहुत बढ़िया लगा पाजी, अगली बार तो आवेंगे जरूर, लेकिन फरारी या ऑडी या बीएमडब्ल्यू लेकर, लेकिन टू व्हीलर चले आ म्यूजिक टिक। फाइनली रीच्ड गुम मॉनेस्ट्री एंड दिस मॉनेस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1850। वेलकम टू दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल। अभी 5 मिनट पहले कुछ ऐसा था कि पूरा क्लाउड एरिया था, अभी जस्ट 5 मिनट नहीं हुए क्लाउड पूरा क्लियर हो गया। दार्जिलिंग में ऐसा ही मौसम कंटिन्यूस रह रहा है। Back to
So guys, I hope you like the video and you know the drill, like, share and subscribe. So make sure you subscribe, and till that, bye bye, take care, signing off, Terminator J05.